राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पोर्श कार एक्सीडेंट मामले पर कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है। फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि पुणे में दो लोगों की मौत की घटना परेशान करने वाली है। दो लोगों की मौत के बावजूद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नरम रुख अपनाया। फडणवीस ने कहा, पुणे पुलिस ने बोर्ड को दिए अपने एप्लीकेशन में कहा था आरोपी की उम्र 17 साल 8 महीने है। हालांकि उसने लग्जरी कार पोर्श से दो लोगों को टक्कर मारी जिससे दोनों की मौत हो गई। इस जघन्य अपराध के लिए नाबालिग आरोपी के साथ वयस्क की तरह पेश आना चाहिए। हालांकि बोर्ड ने एप्लीकेशन को अनदेखा किया और आरोपी को 15 दिन तक समाज सेवा करने और निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी। जुवेनाइल बोर्ड का फैसला हैरान करने वाला था, इसके कारण लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। फडणवीस ने ये बातें पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इससे पहले डिप्टी सीएम ने मामले की जाँच को लेकर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस ने आरोपी के पिता सहित 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। एफआईआर के मुताबिक नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ये जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने दी। बिल्डर को यह भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर भी उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।